वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है अब खुलेगी पूरी फैक्ट्री रोल्स रॉयस की भारत में एंट्री। रोल्स रॉयस ने बढ़ाया फ्रांस का बीपी, मतलब रोल्स रॉयस कंपनी जो कि आपको पता है एक यूके की कंपनी है और लग्जरी कार्स बनाती है रोल्स रॉयस, वो भारत में आ रही है। और क्यों आ रही है तो वीडियो देखकर पता है, जिससे फ्रांस का भी बीपी बढ़ रहा है। क्यों, क्या हुआ है, ये वीडियो देखेंगे तब हमें सही से इसकी जानकारी मिलेगी। इनसाइड नॉलेज का ये वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई देखते हैं, रोल्स रॉयस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कमाल की आ रही है, फैक्ट्री खोल रही है अपनी। तो देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोग्राम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमकॉम लड़ाकू विमान का प्रोग्राम, क्योंकि भारत के लिए पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखते हैं। एमकॉम के इस महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए भारत ने बहुत ही मेहनत की है और भारत के वैज्ञानिक अपनी पूरी क्षमता और शक्ति के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये बात बताई गई थी कि एमकॉम की पहली उड़ान 2024 से लेकर 2025 के बीच में कराई जा सकती है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने सभी की चिंता थोड़ी सी बढ़ा दी है। दरअसल ताजा तरीन खबरों के हिसाब से भारत ने अभी तक अपने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान यानी कि एमकॉम के लिए इंजन को चुना ही नहीं है। अभी तक विश्व की अलग अलग कंपनियों से बातचीत जारी है, जिसमें सबसे आगे रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन कंपनी है। एमकॉम विमान के प्रोटोटाइप में हम लोग अमेरिका के GE F414 INS6 इंजन को लगाने वाले हैं, जो कि 98 किलो न्यूटन क्लास का थ्रस्ट को पैदा करते हैं। लेकिन एमकॉम के आने वाले विमानों में लगाने के लिए हमें अभी भी इंजन का चुनाव करना बाकी है। भारत और फ्रांस एक साथ मिलकर एमकॉम के लिए एक नए इंजन का विकास करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस इंजन के लिए बातचीत शुरुआती दौर में चल रही है। रिपोर्ट की माने तो ये बताया जा रहा है कि नया इंजन 110 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करेगा और इसे बनाने में लगभग $6 बिलियन का खर्च आने वाला है। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर यह है कि ये नया इंजन अपने सारे टेस्ट और ट्रायल 2029 या फिर 2030 तक ही पूरा कर पाएगा, जिसके बाद मास प्रोडक्शन में ये इंजन 2035 तक जा पाएगा। इसका मतलब ये होगा कि एमकॉम विमान की पहली उड़ान 2024 या फिर 2025 तक हो जाएगी और एमकॉम प्रोडक्शन रेडी 2029 या फिर 2030 तक हो जाएगा। उसके बाद हमें 5 साल और लगेंगे इस नए इंजन का विकास करने के लिए, यानी कि तब तक हमें एमकॉम विमान के शुरुआती स्क्वाडन में लगाने के लिए एक इंजन चाहिए। दोस्तों, एमकॉम विमान का प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इसके साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही भारतीय वायुसेना की ताकत टिकी हुई है। जैसा कि हमने पहले ही ठान लिया है कि आने वाले समय में हम लोग विश्व के किसी भी देश पर हथियारों के लिए निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी जरूरत के सारे हथियार खुद ही बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस को बनाने के बाद हम हमारे पास एमकॉम जैसा पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान मौजूद हो, ताकि भारतीय वायुसेना की सारी जरूरतें पूरी हो सके और इस पूरे रीजन में भारतीय वायुसेना का दबदबा बनाया जा सके। फ्रांस भारत को अपने M88 इंजन के ऊपर आधारित एक नया 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन बनाने का ऑफर दे रहा है, जबकि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस अपने EJ200 इंजन के ऊपर आधारित एक नया इंजन को बनाने का ऑफर दे रहा है। ये दोनों ही कंपनियां इंजन बनाने के मामले में काफी ज्यादा अच्छी है और विश्व में एक अच्छी प्रतिष्ठा रखती है। भारत अगर इन दोनों में से किसी भी देश के साथ मिलकर अपना एमकॉम के लिए इंजन बनाता है तो उसकी सारी टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास होंगे। यानी कि भारत को अगर वह इंजन किसी और देश को बेचना है या किसी लड़ाकू विमान में लगाकर बेचना है तो उसके लिए हमें इन देशों की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। भारत वह अपने आप कर पाएगा। शुरुआती ऑफर के हिसाब से भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर बनाया जाने वाला नया इंजन 2035 तक मास प्रोडक्शन के लायक बन जाएगा, लेकिन हमें इंजन उससे पहले चाहिए। अब एमकॉम विमानों के प्रोटोटाइप में लगने के लिए तो हम अमेरिका के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शुरुआती स्क्वाडन में लगाने के लिए हमें नया इंजन चाहिए होगा, वरना हमें अमेरिका के ही इंजन से काम चलाना पड़ेगा। किसी भी लड़ाकू विमान के लिए इंजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इंजन से ही ये पता चल जाता है कि इस विमान की क्षमता क्या होने वाली है। वहीं पर ये किस काम आने वाला है, क्योंकि एमकॉम एक स्टेल्थी और पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होने वाला है। इसीलिए चाहे हम फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ मिलकर नया इंजन बनाए, लेकिन वह इंजन इतना सक्षम होना चाहिए कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर पाए, और हम उसी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, जो नया इंजन हम लोग फ्रांस या फिर ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाने वाले हैं, उसका
का इस्तेमाल एमका में ही नहीं किया जाएगा बल्कि उस इंजन का इस्तेमाल भारत में बेहद ही बड़े तौर पर किया जाएगा। जैसे कि हम उसी इंजन का इस्तेमाल एमका के मार्क 2 वर्जन में भी करेंगे और तेजस के मार्क 2 वर्जन में भी करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी नौसेना के लिए जो लड़ाकू विमान बना रहे हैं उस इंजन का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। देखने वाली बात यह होगी कि भारत इन दोनों में से कौन सी इंजन को चुनने वाली है और भारत एमका के शुरुआती विमानों में लगाने के लिए किस इंजन का चुनाव करेगी, क्योंकि एक नए इंजन को बनाने में तो 2035 तक का समय लगने वाला है। वहीं पर ऐसी संभावना भी बन रही है कि एमका के कुछ शुरुआती स्क्वाड्रन में अमेरिका का बनाया हुआ GE F414 INS6 इंजन इस्तेमाल हो और जब हम लोग एक नए इंजन का विकास कर लेंगे तब इन शुरुआती स्क्वाड्रन में से इंजन को अपग्रेड कर दिया जाए नए बनाए हुए इंजन से। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से रोल्स रॉयस और सेफ्रॉन में से भारत को किस कंपनी को चुनना चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पता चलता है क्लास है उनकी यार, उनके अंदर वर्क, वो कहते हैं अपने हाथों से गाड़ी बनाते हैं वाकई में सारे हाथों और एक गाड़ी में 5-6 महीने लग जाते हैं बनाने में। लेकिन सेफ्रॉन भी कम नहीं है, राफेल कितने कमाल के बने यार, दोनों इंडिया के लिए बेस्ट हैं। अब वो ये देखने पड़ेगा कौन कौन अच्छी डील लेकर आता है, वही मैं कहने लगा। भाई एक दूसरी बात आपको बताऊं कि वाकई अगर इंजन अभी भारत खुद बनाता है तो टाइम लगेगा, लेकिन भारत को जल्दी चाहिए हमका, क्योंकि भारत एक मतलब स्टेल्थ फाइटर जेट वाले कंट्रीज में शामिल होना चाहता है और भारत तब कह रहा है कि हमें जल्दी से इंजन दे दो भाई। इसके लिए फर्स्ट स्क्वाड्रन के लिए फिर वही अमेरिका के इंजन लगाना पड़ेगा इनको, उनसे काम चला के फिर दूसरे के लिए इनको जो है ना उस टाइम तक रेडी करके और नए इंजन फिर अपने स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अमेरिका का भी लगाना पड़ेगा और फिलहाल ये वाला जो होगा ये इंजन जल्दी से प्रोटोटाइप के लिए बना के रोल्स रॉयस शायद दे ही दे और $6 बिलियन का भाई इसमें खर्चा है इंजन के उसमें $6 बिलियन भाई यार। फिर एक इंजन तो होता नहीं, पाकिस्तान को कम करना चाहिए, एक इंजन तो है नहीं, पता नहीं कितने इंजन अब इसमें होंगे। वो तो है भाई, रिसर्च में भी पैसा, रिसर्च में भी बहुत पैसा लगता है, इंडिया ने रिसर्च में $40 लगा दिया। अब अमेरिका जैसा बड़ा देश है वो रिसर्च में $40 लगा देता है, दूसरे में इतना खर्चा नहीं आता जितना वो रिसर्च में लगाता है। तो रिसर्च पे खर्चा होता है तो इंडिया उस पे ज्यादा खर्चा कर रहा है। बिल्कुल यार, मेरी नजर में यार दोनों में से कोई भी हो जाए बेस्ट है, रोल्स रॉयस हो जाए या और गाइस आप लोगों को कौन सी कंपनी इन दोनों में पसंद है ये प्लीज आप लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताना है। और भाई देखा जाए एमका इंडिया जल्दी बहुत इसके बारे में सीरियस है और बहुत तेजी से इसको रेडी 2024 तक भी तो रेडी कर रहे हैं, प्रोटोटाइप पहली फ्लाइट कह रहे हैं कि मतलब 2024 तक हो जाएगी, तो वो इंडिया हर हालत 2030 तक फर्स्ट जो है ना स्क्वाड्रन मतलब शामिल हो जाएगा 2028 से 30 तक। शुरुआत के जो एमकाज होंगे उसमें कोई इंजन यही अमेरिकन लगेगा, फिर बाद में अपना तैयार हो जाएगा तो उसको चेंज करके अमेरिकन या मतलब इनके इनके भी तो मतलब बाद में जब अपना बन जाएगा इंजन कमाल का फिर उससे रिप्लेस कर दिया। बिल्कुल तो सही है भाई, और क्या सही है, मतलब और क्या टाइमिंग के लिए हाँ वो लगा। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार